आप देख रहे हैं दखल न्यूज। राम मंदिर निर्माण की तरफ सरकार का एक और कदम, मंदिर निर्माण के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट बना। अयोध्या से 20 किलोमीटर दूर बनेगी मस्जिद, बाबरी मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन। उमा भारती ने कहा अब जल्द शुरू होगा राम मंदिर निर्माण। मध्य प्रदेश की पहचान आईफा से नहीं, सांची और किसानों से। कमलनाथ सरकार में गुंडों के हौसले बुलंद, छतरपुर में एसडीएम को बनाया निशाना, की फायरिंग और तोड़फोड़। और जनसंपर्क विभाग और सरकार के खिलाफ पत्रकारों का प्रदर्शन, सरकार बना रही पत्रकारों के दमन की नीतियां। नमस्कार, मैं हूं शेफाली, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर बड़ा ऐलान किया है। पीएम मोदी ने लोकसभा में कहा कि मेरी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार एक बड़ी योजना तैयार की है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार राम मंदिर ट्रस्ट का गठन किया गया है, जिसका नाम श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र रखा गया है। यह ट्रस्ट अयोध्या में भव्य और दिव्य राम मंदिर से जुड़े फैसले लेने के लिए स्वतंत्र होगा। साथ ही पीएम ने बताया कि अयोध्या में 5 एकड़ जमीन मस्जिद निर्माण के लिए देने को राज्य सरकार ने सहमति दे दी है। पीएम ने जैसे ही यह ऐलान किया, संसद भवन जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। ट्रस्ट में कुल 15 सदस्य होंगे, जिनमें एक दलित होगा। संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि 9 नवंबर को जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया, तब मैं करतारपुर में था। गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाश पर्व था और बहुत ही पवित्र वातावरण था। मैंने लौटकर पूरा फैसला जाना और देखा कि किस तरह पूरे देश ने इस फैसले का स्वागत किया है। करोड़ों देशवासियों की तरह ही मेरे हृदय के करीब है। इस विषय पर बात करना मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ। ये विषय श्री राम जन्मभूमि से जुड़ा हुआ है। ये विषय है अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का। अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण, वर्तमान और भविष्य में रामलला के दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या और उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। 9 नवम्बर 2019 को मैं करतारपुर साहब कॉरिडोर के लोकार्पण हेतु पंजाब में था। गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाश पर्व था, बहुत ही पवित्र वातावरण था। उसी दिव्य वातावरण में मुझे देश की सर्वोच्च अदालत द्वारा राम जन्मभूमि विषय पर दिए गए ऐतिहासिक फैसले के बारे में पता चला था। इस फैसले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि श्री राम जन्मभूमि के विवादित स्थल के भीतरी और बाहरी आंगन पर राम लला विराजमान का ही स्वामित्व है। हमारी संस्कृति परंपराएं हमें वसुदेव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिनः का दर्शन देती है और इसी भावना के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देती है। मेरी सरकार ने अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण के लिए और इससे संबंधित अन्य विषयों के लिए एक बृहद योजना तैयार की है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार एक स्वायत्त ट्रस्ट श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का गठन करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। ये ट्रस्ट अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मस्थली पर भव्य और दिव्य श्री राम मंदिर के निर्माण और उससे जुड़े विषयों पर निर्णय लेने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगा। हिंदुस्तान में हर पंथ के लोग एक बृहत परिवार के सदस्य हैं। इस परिवार के हर सदस्य का विकास हो, वो सुखी स्वस्थ रहे, समृद्ध रहे, देश का विकास हो, इसी भावना के साथ मेरी सरकार सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के सिद्धांत पर चल रही है। आइए इस ऐतिहासिक क्षण में हम सभी सदस्य मिलकर अयोध्या में श्री राम के जीर्णोद्धार के लिए, भगवान राम के भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए एक
स्वर में अपना समर्थन दें। राम मंदिर निर्माण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रस्ट की घोषणा कर दी है। इस बीच उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भी कैबिनेट बैठक में बड़ा निर्णय लिया है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक कैबिनेट ने बाबरी मस्जिद निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश में जगह का चुनाव कर लिया है। बैठक में सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन अयोध्या के रोनाही में दी जाना तय हुई है। यह इलाका अयोध्या से लगभग 20 किलोमीटर पहले लखनऊ मार्ग पर स्थित है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सुन्नी वक्फ बोर्ड को दी जाने वाली जमीन चिन्हित कर ली गई है। हालांकि अभी यह तय नहीं हुआ है कि वक्फ बोर्ड द्वारा यूपी सरकार की ओर से बाबरी मस्जिद के लिए दी जाने वाली जमीन को स्वीकार करेगा या नहीं। वक्फ बोर्ड सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नाखुश था। इस बीच कई मुस्लिम संगठनों की ओर से जमीन न लिए जाने को लेकर भी बयान सामने आ चुके हैं। 7 दशक से भी ज्यादा वक्त से राम मंदिर जन्मभूमि को लेकर चली आ रही खींचतान के बीच सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 9 नवंबर को ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। बेंच में राम मंदिर विवाद से जुड़ी जमीन का फैसला रामलला के हक में देते हुए पूरी जमीन का स्वामित्व रामलला का बताया था। वहीं दूसरी ओर कोर्ट ने बाबरी मस्जिद के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड को अन्य जगह पर 5 एकड़ जमीन केंद्र सरकार की ओर से मुहैया कराने के निर्देश दिए थे। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने कहा कि राम मंदिर बनाने के लिए कैबिनेट की बैठक में ट्रस्ट बनाने का निर्णय हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार जल्द ही ट्रस्ट भव्य राम मंदिर का निर्माण करेगा। उमा भारती ने कमलनाथ सरकार पर भी निशाना साधा और कहा कि कमलनाथ सरकार के सभी विकास कार्य ठप हो गए हैं। आईएफए अवार्ड से प्रदेश की पहचान को लेकर उमा भारती ने मुख्यमंत्री पर तंज कसा और कहा कि प्रदेश की पहचान आईएफए अवार्ड नहीं, प्रदेश में किसान और कृषि है और किसानों की मेहनत से प्रदेश का नाम हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने राम मंदिर निर्माण में कैबिनेट की बैठक में निर्णय के बारे में कहा कि कोर्ट के निर्देशानुसार राम मंदिर ट्रस्ट बनाया जा रहा है, जिसके बाद ट्रस्ट राम मंदिर का रोड मैप तैयार करेगी और भव्य राम मंदिर बनवाया जाएगा। उमा भारती ने AIMIM के नेता ओवैसी को भी मंदिर निर्माण के लिए आमंत्रण दिया है। आज जो कैबिनेट का डिसीजन हुआ, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, ये जो बार बार हम पे आरोप लगता है कि हम वोट के लिए करते, हमें 3 महीने के अंदर ट्रस्ट बना के घोषणा करनी थी और अभी संसद लगी तो घोषणा संसद में होनी थी, तो इसलिए आज कैबिनेट ने फैसला किया और संसद में उसकी घोषणा हुई है। अब मंदिर के निर्माण में कितना समय लगेगा, ये जो ट्रस्ट बनेगा वो ट्रस्ट अपनी टाइम प्लान रोड मैप तैयार करेगा पूरा। मुख्य बात ये थी कि 3 महीने के अंदर ट्रस्ट बन जाना चाहिए और एक भव्य राम मंदिर के निर्माण की योजना बन जानी चाहिए। तो आज मुझे लगता है माननीय गृह मंत्री जी ने शायद कहा भी है कि वो ट्रस्ट की घोषणा करने वाले हैं। उमा भारती ने आईएफए अवार्ड को लेकर कमलनाथ सरकार को निशाने पर लिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की पहचान आईएफए अवार्ड नहीं है, प्रदेश में स्थापित सांची स्तूप है, प्रदेश के कई पर्यटक स्थल हैं, प्रदेश की पहचान यहाँ के किसान हैं जिन्होंने खेती कर कृषि कर्मण्य अवार्ड प्रदेश को दिलाया है। आईएफए से प्रदेश को कोई पहचान नहीं मिल रही। प्रदेश में कमलनाथ सरकार आने के बाद सभी विकास कार्य ठप हो गए हैं, जनता परेशान हो रही है। अब मुझे ये नहीं पता ना कि आईएफए से ब्रांडिंग कैसे होगी, क्योंकि जिस प्रकार का उसमें होता है उससे ब्रांडिंग कैसे होगी। यहाँ तो लोगों को ज़रूरत यह है कि किसान बहुत परेशान है, उसकी फसल ठीक से हो जाए, सिंचाई की योजनाएं ना रुक जाएं, सड़कों में गड्ढे ना पड़ जाएं। अब इसमें ये जो आए थे हीरो हीरोइन, ये गड्ढे कैसे भरेंगे, बिजली कैसे देंगे, पानी कैसे देंगे, तो इसलिए इससे मध्य प्रदेश की ब्रांडिंग होनी, अगर ऐसा कोई बोलता है तो बहुत सस्ता दिमाग रखता है, गंभीरता नहीं उसके दिमाग में। उमा भारती ने सीए को लेकर विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अगर विपक्ष इसका विरोध कर रहा है तो इसका साफ मतलब है कि विपक्ष को सीए की जानकारी ही नहीं है, विपक्ष इस पर केवल राजनीति कर रहा है, ना तो विपक्ष को सीए के बारे में पता है और ना ही शाहीन बाग में धरना दे रहे लोगों को। राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा पर उमा ने कहा कि ये दोनों भाई बहन खुद को साबित करने के लिए बयान देते रहते हैं, सीए के विरोध में बिना पढ़े कुछ भी बोले जा रहे हैं, इसी तरह से इस घोषणा के बारे में भी बिना सोचे समझे बोल देंगे। अब आजकल क्या मीडिया का जमाना है, बोल दिया मीडिया पे आ गई आपकी बात, अब उसमें कोई आपने दिमाग लगाया नहीं लगाया, थोड़ी देर के लिए तो बात आ ही जाएगी, बस इसलिए करते टीआरपी में रहने के लिए दोनों भाई बहन बोलते रहते हैं। राहुल गांधी को
वायनाड से चुनाव लड़ने की जरूरत पड़ी, जहां गायों को मारा गया था। उमा ने शाहीन बाग में धरने को लेकर भी विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि शाहीन बाग में गोलीकांड में पकड़ा गया युवक आम आदमी पार्टी का है, आम आदमी पार्टी में ऐसा सिखाया जाता होगा। उमा भारती ने सक्रिय राजनीति पर बयान देते हुए कहा कि वे अगला चुनाव लड़ेंगे और वे हमेशा से सक्रिय राजनीति में रही हैं। मैं तो सक्रिय राजनीति में हूँ बाबा, चुनावी राजनीति। आप चुनाव की राजनीति से क्यों, चुनाव तो लड़ूंगी ना मैं 2024 का। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि राष्ट्र विरोधी ताकतें देश के माहौल को खराब करना चाहती हैं, ऐसी राष्ट्र विरोधी साजिशों से सतर्क रहें, इनका डटकर मुकाबला करें, युवाओं को समाज को इन राष्ट्र विरोधी साजिशों से सतर्क करें। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सर संघचालक डॉक्टर मोहन भागवत ने शारदा बिहार विद्यालय में आयोजित मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विभाग प्रचारकों की बैठक में कहा कि इस समय राष्ट्र विरोधी तत्व सक्रिय हैं। ये राष्ट्र विरोधी ताकतें देश के माहौल को खराब करना चाहती हैं। ऐसे में ऐसी राष्ट्र विरोधी साजिशों से सतर्क रहें, इनका डटकर मुकाबला करें, युवाओं को समाज को इन राष्ट्र विरोधी साजिशों से सतर्क करें। मोहन भागवत ने अपने भोपाल प्रवास के दूसरे दिन कांग्रेस शासित मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से आए हुए आरएसएस विभाग प्रचारकों के साथ बातचीत जारी रखते हुए दोनों राज्यों में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ हो रहे प्रदर्शनों के बारे में फीडबैक लिया। दोनों राज्यों में 15 साल तक भाजपा की सरकार थी। सर संघचालक डॉक्टर मोहन भागवत ने प्रांतीय एवं जिले के अधिकारियों की बैठक में चर्चा करते हुए कहा कि धर्म संस्कृति और समाज के सर्वगीण विकास को पूर्ण करने का दायित्व हमारा है। इस दायित्व को पूरा करने के लिए हम सभी को मनुष्य निर्माण के कार्य में लग जाना चाहिए। समस्याओं के समाधान के लिए ऐसे सामर्थ्यवान स्वयं सेवक खड़े करने हैं जो परिस्थिति के साथ स्वयं की भूमिका को तय करने के लिए तैयार रहें। बैठक में उन्होंने ग्राम विकास के कार्यों एवं वर्तमान विकास कार्यों के साथ आगामी वर्ष के कार्यक्रमों की समीक्षा की। मध्य प्रदेश सरकार मंदिर की जमीन बेचने की योजना बना रही है, इस पर कटाक्ष करते हुए पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि क्या सरकार मंदिरों की जमीन बेचकर आईफा करवाने की योजना बना रही है, सरकार को वक्फ की जमीन नजर नहीं आती। कमलनाथ सरकार के आईफा अवार्ड कराने पर पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, टिकट खरीदने के लिए युवाओं को लोन दिलाए सरकार, इसके लिए स्वाभिमान योजना के तहत युवाओं को लोन दिया जाए। मंदिरों की खाली जमीन बेचने के मामले में नरोत्तम मिश्रा ने कटाक्ष किया और कहा कि मंदिरों की जमीन बेचकर आईफा कराने की योजना में है सरकार, सरकार को इसके दुष्परिणामों का ज्ञान नहीं है। मठ मंदिरों पर अगर वहाँ होटल बनेगा तो धार्मिक स्थान की पवित्रता खत्म होगी। सरकार ने जिस दिन उस 5-स्टार होटल में सुंदरकांड का पाठ कराया था, मैं समझ गया था कि कोई ना कोई तुषारा का होने वाला है। वक्फ बोर्ड की जमीनें कमलनाथ सरकार को नजर क्यों नहीं आती? जिस दिन इन्होंने 5-स्टार होटल में सुंदरकांड का पाठ कराया, हमारी समझ में उसी दिन आ गया था कि ये जो चादर ओढ़ रहे हैं धार्मिक, निश्चित रूप से कुछ ना कुछ हिंदुओं पर तुषारापात करने वाले, और इसलिए मंदिरों की जमीन बेचने का निर्णय सरकार कर रही है। वक्फ बोर्ड की जमीन इनको दिखाई नहीं दे रही, पूरे मध्य प्रदेश के अंदर चारों तरफ फैली हुई है, प्राइम लोकेशन पर है, लेकिन मंदिरों की जमीन दिख रही है। मंदिरों की जमीन बेचेंगे, खजाना खाली है, उसके बाद में हीरो हीरोइन को बुला के आईफा अवार्ड कराएंगे, 700 करोड़ वहां खर्च करेंगे, ये योजना है इनकी। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो राम मंदिर के बनाने के लिए सारी बाधाएं दूर करने में लगी हुई है, दूसरी तरफ ये कांग्रेस पार्टी है जो तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए मंदिरों की जमीन बेच रही है। वक्फ बोर्ड के पे भी मार्गदर्शन कर दें थोड़ा सा तो मन को अच्छा लगेगा। नौजवान कितने का टिकट खरीदेगा और कैसे खरीदेगा जरा बता दें, आईफा में लोन सैंक्शन करा दें उसको। जो लोग आईफा में इंटरेस्ट ले रहे हैं उनकी गजल गाने की उम्र है कि भजन गाने की उम्र है? इन नौजवान कैसे लेगा 1-1 लाख रुपए का टिकट? फाइनेंस ही करा दें मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना से। बहुत चिंतनीय स्थिति मध्य प्रदेश सरकार की। बीजेपी नेता ने कहा कि एमपी में तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस कर रही है, एक तरफ बीजेपी श्री राम मंदिर बनाने के लिए सारी बाधाएं दूर कर रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी जो मंदिरों की जमीन बेच रही है। मध्य प्रदेश में गुंडों और माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि इन गुंडों ने छतरपुर एसडीएम अनिल सपकाले के दफ्तर पर हमला कर दिया। नकाबपोश बदमाशों ने एसडीएम कार्यालय के बाहर उत्पात मचाया और फायरिंग की।
मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार का गुंडों और माफिया के खिलाफ अभियान सिर्फ आम लोगों को परेशान करने के लिए नजर आया, क्योंकि इस अभियान का असर गुंडे और माफियाओं पर पड़ा होता तो प्रदेश में शांति का वातावरण होता। छतरपुर में एसडीएम कार्यालय के बाहर खड़े वाहनों को माफिया के गुंडों ने क्षतिग्रस्त किया। फिर इन गुंडे हमलावरों ने तहसील परिसर में कार्यरत महिला मजदूर को धमकी दी। आज सुबह अचानक 5 नकाबपोश बदमाशों ने एसडीएम दफ्तर पर हमला बोल दिया। बदमाश फायरिंग करते हुए दफ्तर के अंदर गए और एसडीएम के चैम्बर में तोड़फोड़ की और बाहर निकलकर उनके वाहन के भी कांच फोड़ दिए। घटना के समय एसडीएम अनिल सपकाले अपने दफ्तर में मौजूद थे। मैं देखा कुछ लोग हाथ में हथियार लेके आए, यहाँ फायरिंग चालू कर दी और गाड़ी भी तोड़ फोड़ दी और अंदर कार्यालय में घुसते हुए देखा हमने। और फिर छतर पटेल साहब पटवारी हैं, इनके पीछे भागे वो लोग, गाड़ी के साथ भी उन्होंने तोड़ फोड़ की, फायर भी की यहाँ पे। बस भी गोली चलाई चाहे पाँच नाव ले आते कहते हैं भदौरिया, हमसे पंगा नहीं लेना, हमने तो जीत दी। कितने लोग थे? चार पाँच जन भटिया चढ़ गए थे। करीब सुबह 9 बजे 9:30 बजे सूचना मिली कि यहाँ पर तहसील परिसर में कुछ 5 लोगों के द्वारा तहसील परिसर के पीछे जो इसकी सर्किट हाउस है उस तरफ से तहसील कार्यालय में आए और परिसर में जो एसडीएम की गाड़ी खड़ी थी उसको लाठी डंडों से उसके कांच वगैरह तोड़ फोड़ की गई है। और ये भी जानकारी मिली कि उसमें कुछ गोली चालन भी हुआ है और हालांकि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ घटना में। इसके बाद में उन लोगों के द्वारा तहसील कार्यालय के अंदर एसडीएम अनिल सपकाले बैठ करके अपने अपने के साथ में काम कर रहे थे, वहाँ भी जा करके उनके द्वारा उसका जो चैम्बर है उससे गेट के कांच है। घटना की सूचना जैसे ही पुलिस के आला अधिकारियों को लगी तो पुलिस मौके पर पहुंच गई और मामले की जांच शुरू की। घटना के समय बदमाशों ने माली को भी धमकाया और फरार हो गए। इस सब के पीछे भूमाफियाओं का हाथ माना जा रहा है। एसडीएम साहब का फोन आया था कि वो अपने चैम्बर में काम कर रहे थे और करीब 8:50 पे वो ऑफिस आए थे, उस टाइम में घटना हुई है जिसमें बाहर खड़ी गाड़ी वगैरह फोड़ी गई है, चैम्बर का कांच वगैरह फोड़ा गया है और लोगों का कहना है कि फायर भी हुए थे। इस संबंध में जांच कार्रवाई की जा रही है, जो जो लोग उपस्थित थे उनके बयान लिए जा रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन में जो भी आएंगे तथ्य उनके आधार पर आगे कार्रवाई की जा रही है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद से ही प्रदेश के पत्रकार अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। जनसंपर्क विभाग सरकार और पत्रकारों के बीच का सेतु होता है, मगर जनसंपर्क विभाग दोनों के बीच में समन्वय स्थापित करने के बजाय दूरियां बढ़ा रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि सरकार और जनसंपर्क विभाग में बैठे अधिकारी पत्रकारों के दमन की नीतियां बना रहे हैं और इन दमनकारी नीतियों के खिलाफ प्रदेश भर के पत्रकार काली पट्टी बांधकर जनसंपर्क विभाग के सामने धरने पर बैठ गए हैं। वहीं जनसंपर्क विभाग के सूत्रों का कहना है जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए उन्हें मुख्यमंत्री निवास से निर्देश मिलते हैं। कमलनाथ जी, बड़े बड़े दावे और वादे करके आप सत्ता में तो आ गए, आप ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्हें जनता ने नहीं चुना है, आप मध्य प्रदेश की जनता पर थोपे गए हैं, क्योंकि आपको सीएम प्रोजेक्ट कर कांग्रेस चुनाव लड़ती तो दहाई के आंकड़े में ही सिमट जाती। वैसे भी अगर सीधे जनता को मुख्यमंत्री चुनना पड़ता तो शायद किसी उद्योगपति को चुनने के बजाय वो एक ऐसे व्यक्ति को चुनती जो उनकी जमीनी समस्याओं को समझ पाता। सब जानते हैं कि आपकी सरकार में आम जनता त्रस्त है, मगर आम जनता की बात आप तक पहुंचाने वाला चौथा स्तंभ आपकी दमनकारी नीतियों के कारण संकट में फंस गया है और पहली बार चौथे स्तंभ को अपने अस्तित्व के लिए आपके सिस्टम के खिलाफ मोर्चा खोलना पड़ा है। आपके पास पत्रकारों से मिलने का समय तो है ही नहीं, शायद इस धरने में उठी आवाज आप तक पहुंच जाए। देखिए, सरकार होती है जन कल्याण के लिए और जो नीति बनती है वो कल्याणकारी नीति होना चाहिए। यदि मजदूर नीति बनती है, उद्योग नीति बनती है तो वो उसके लाभ के लिए बनती है, लेकिन जनसंपर्क विभाग ने एक नीति बनाई और जनसंपर्क की नीति है, उसमें पत्रकारों का भला नहीं करना है वो। और जो ये सरकार बता रही है कि हमारे पास खजाना खाली है, सरकार के पास पैसा नहीं है, तो यदि आईफा अवार्ड करके हम निवेश लाना चाहते हैं तो एक पत्रकार की भी प्रेस भी एक इंडस्ट्री में आता है। यदि हम छोटे समाचार पत्र समाप्त करेंगे तो एक उद्योग धंधे को हम समाप्त करेंगे। मध्य प्रदेश
प्रदेश में 7.25 करोड़ जनता में कम से कम 1 लाख से अधिक समाचार पत्र से जुड़े हुए लोग हैं, वो भी वोटर हैं, वो भी जनता है। तो जन कल्याण की नीति के लिए सरकार का गठन होता है। यदि सरकार जन कल्याण के काम न करते हुए फिल्म अभिनेताओं के जरिए निवेश लाने की बात करती है तो मैं समझता हूँ कि सीधे तौर पर हम वो करने जा रहे हैं जिसका देश में मध्य प्रदेश में सब दूर विरोध हो रहा है। जिसके पास पैसा नहीं होता है वो जो भी हो, बड़ा व्यापारी हो, बड़ा ब्रोकर हो या बड़ा एजेंट हो, जो भी हो, सरकार हो, वो अपने आप को दिवालिया घोषित कर देता है। तो मैं कमलनाथ जी से निवेदन करूंगी कि वो पब्लिक के सामने अपने आप को दिवालिया घोषित करें और जाएं यहां से, विदा लें। सब परेशान हो चुके हैं, किसान से लेकर पत्रकार तक। भोपाल में जनसंपर्क संचालनालय भवन पर प्रदर्शन कर पत्रकारों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन पत्र सौंपा है, लेकिन मुख्यमंत्री इस समय अपने धन्ना सेठो मित्रों को प्रसन्न करने के लिए आईफा में व्यस्त हैं। आईफा अवार्ड करवाने वाले मुख्यमंत्री शायद ये भूल गए कि इस प्रदेश की जरूरतें कुछ और हैं। कमलनाथ सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले ये पत्रकार प्रदेश के विभिन्न जिलों से, तहसीलों से आए हैं। ये छोटे और मझोले समाचार पत्र, पत्रिकाएं और दैनिक समाचार पत्र प्रकाशित कर सरकार और जनता के बीच सेतु का काम करते हैं। सरकार की बात और योजनाएं छोटी से छोटी जगह पहुंचाते हैं। सरकार द्वारा किए जा रहे कामों की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाने में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। लेकिन कमलनाथ एमपी के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिसने इस सर्वहारा वर्ग के बारे में कभी सोचा ही नहीं। मेरा यही है कमलनाथ से कि वो अपनी हिटलरशाही छोड़ें, थोड़ा जमीन पे आए। हमने मुख्यमंत्री चुना है, उद्योगपति नहीं चुना है। वो जिस तरह का आईफा अवार्ड और ये, इससे प्रदेश का भला नहीं होगा। ये जो आप ये भीड़ देख रहे हैं, ये छोटे छोटे अखबार निकालते हैं, कस्बों में जाते हैं, ये यही सच्चाई सामने रखते हैं। ये 3 IAS अधिकारियों के बैठने के बाद उनकी नूरागुस्ती में, मतलब एक तरीके से अगर सामान्य भाषा में बात करते हैं अपन, तो सांडों की लड़ाई में पत्रकारों का हनन, पत्रकारों की कलम का हनन, उनके अधिकारों का हनन कर रही है सरकार। और मुख्यमंत्री जी से हम पिछले 12-15 दिन से समय मांग रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी के पास समय नहीं है। बाकी मिंटो हाल में जो कार्यक्रम था उसके फोटो भी आपने देखे, उनकी उपस्थिति भी देखी, उनकी सक्रियता भी देखी आपने, लेकिन पत्रकारों से बात करने के लिए इनके पास समय नहीं है। ये जो भी कार्यक्रम कर रहे हैं अभी, इन नचैयों के लिए 30 करोड़ रुपए, 10 करोड़ रुपए रोज के हिसाब से 30 करोड़ रुपए खर्चा करा है। इसकी अधिकृत जानकारी 30 करोड़ बताइए, लेकिन हकीकत में ये 80 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट हुआ 3 दिन का नचैयों के लिए। सरकार का जनसंपर्क विभाग सभी छोटे और मझौले समाचार पत्र, पत्रिकाओं को प्रकाशन में सहायता के लिए वर्ष में 4 विज्ञापन और 1 विशेषांक का आरओ देता था, लेकिन कमलनाथ सरकार ने बजट न होने का रोना रोकर गणतंत्र दिवस पर ही छोटे मझौले समाचार पत्र, पत्रिकाओं को विज्ञापन नहीं दिया। और दूसरी तरफ यह सरकार कंगाली की हालत में भी करोड़ों रुपए खर्च करके आईफा अवार्ड करवा रही है। सोचने वाली बात यह है कि सरकार के खजाने में जब धन ही नहीं है तो करोड़ों रुपए खर्च करके आईफा अवार्ड क्यों कराया जा रहा है। जो सरकार चल रही है वो कॉर्पोरेट नीति के अंदर काम कर रही है कि कॉर्पोरेट घरानों को बढ़ाना चाहती है, छोटे लोगों को खत्म करना चाह रही है। आज जो पत्रकार एकता आप देख रहे हैं, उनकी आवाज आएगी। जो छोटे छोटे पत्रकार हैं, इनकी नीति है, जनसंपर्क की खुद की नीति है कि छोटे पत्रकारों को, लघु मध्यम पत्रकारों को विज्ञापन देना है, सब कुछ करना है। और ये इसके ऊपर जो काला कानून लागू कर दिया जाएगा कि पुनरीक्षण हमेशा से चल रहा है, कोई नई चीज नहीं है, लेकिन अचानक बीच में क्यों लाए, ये एक विचारणीय विषय है। जांच समिति का विरोध करते हुए स्पष्ट करती है कि यह अधिकार सिर्फ RNI का है, संचालक जनसंपर्क को कोई अधिकार नहीं है किसी भी तरह की जांच करने का। ये PRB एक्ट के खिलाफ है और हम इसका पूरा विरोध करते हैं। और इस प्रसार संख्या जांच की आड़ में जो छोटे समाचार पत्रों के विज्ञापन रोके गए हैं, पूरे 1 साल में मात्र 2 बार विज्ञापन दिए गए, सीधे सीधे दिख रहा है कि छोटे समाचार पत्रों का दमन करने पे तुले हुए हैं। छोटे और मझौले पत्रकारों की पीड़ा ये भी है कि नई सरकार बनने के बाद से बिलों का भुगतान आज तक कमलनाथ सरकार ने नहीं किया है। ऐसे में प्रदेश के पत्रकार एकजुट होकर जनसंपर्क विभाग की दमनकारी नीतियों के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। जनसंपर्क की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जनसंपर्क की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नगरी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ।
नागरी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। समय ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा चीन से लौटे लोगों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने बताया जो भी लोग चीन से लौटे हैं उनकी विशेष जांच की जा रही है। कोरोना वायरस को लेकर छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि छत्तीसगढ़ के जो लोग चाइना से लौटे हैं उन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग को पहले ही दिन से निर्देश दिया गया है। अब तक जो भी लोग चाइना से लौटे हैं उनकी जाँच की जा रही है। साथ ही उन्होंने जनता से अपील की है कि आपके आसपास या जान पहचान का कोई व्यक्ति चाइना से लौटा है तो स्वास्थ्य विभाग को इसकी जानकारी दें ताकि समय पर कोरोना वायरस की जांच कराकर इलाज उपलब्ध कराया जा सके। जितने लोग चाइना से आना जाना हाल में जितने लोगों ने किया है उनको हम आइडेंटिफाई कर लें कि एक सीधा सीधा हमको एक केंद्र पकड़ना है चाइना। जो लोग व्यवसाय के लिए गए, पढ़ाई के लिए गए, टूरिज्म के लिए गए, जिस कारण से चाइना गए हों हाल में और वो अपने यहाँ छत्तीसगढ़ में अगर आए हैं तो उनकी जानकारी हमको लेनी चाहिए। उसी बाबत ये हम लोगों ने सभी जिला प्रशासन को, स्वास्थ्य विभाग को भी ये सर्कुलर दे दिया था, एक कि सभी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में बिस्तरों के खंड को आरक्षित कर दिया है आइसोलेशन वार्ड बतौर कि अगर कोई केस आए तो आखिरी में आपको तैयारी ना करनी पड़े। ये 4 बिस्तर 5 बिस्तर का आइसोलेशन वार्ड बना हुआ है और उसके उपचार के लिए, जांच के लिए जो भी किट चाहिए बाकी चीज़ें हैं वो आप कर लीजिए। परिणाम यहाँ नहीं मिलते, देश में अभी एक ही लैबोरेटरी है वो पुणे में, तो पुणे में ही स्वाब आपको करके भेजना पड़ता है, कोल्ड चेन इत्यादि उसको जिस तरीके से भेजा जाता है तो वो सैंपल वहाँ भेज के बुलाए जा रहे हैं। आवश्यकता इस बात की है कि चाइना से जुड़े हुए और समाज भर में हम लोग को ये जागरूक रहना चाहिए कि कोई भी ऐसे साथी हों, किसी कारण से अगर नहीं भी बता रहे हों तो आगे आके हम लोग को ये जानकारी प्रशासन को भी उपलब्ध करानी चाहिए कि जांच करा लीजिए। छतरपुर जिला अस्पताल में इलाज करने वाले लोग झाड़ू लगाते नजर आए। अस्पताल के सफाई कर्मचारी 4 दिन से हड़ताल पर हैं और अस्पताल में गंदगी देख डॉक्टर्स और अन्य स्टाफ ने पहले अस्पताल की सफाई की और फिर अपने काम को अंजाम दिया। डॉक्टर्स कई तरह की मिसाल पेश करते रहते हैं। छतरपुर अस्पताल में मरीज का इलाज करने वाले डॉक्टर्स और उनकी टीम अस्पताल की सफाई और कचरा उठाते हुए दिखाई दिए। यह नजारा देखकर लोग भी अचंभित हो गए। दरअसल 4 दिन से अस्पताल में सफाई कर्मचारी ठेकेदार के वेतन कम देने के कारण हड़ताल पर चले गए थे, जिससे अस्पताल भवन में जगह जगह कचरा इकट्ठा हो रहा था, जिससे मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इसी परेशानी से मरीजों को बचाने के लिए अस्पताल के डॉक्टर्स और कर्मचारियों ने हाथों में झाड़ू लेकर अस्पताल की सफाई करना शुरू कर दिया और 1 घंटे तक वार्ड में इकट्ठे कचरे और गंदगी को साफ कर दिया। डॉक्टर्स ने कहा कि यदि सफाई कर्मी नहीं आएंगे तो वे आगे भी सफाई अभियान जारी रखेंगे। शासकीय कर्मचारी जो अस्पताल में सफाई करने वाले कर्मचारी हैं वो पिछले 4 दिन से हड़ताल पर हैं और जो नगर पालिका के कर्मचारी बुलवाए गए थे उनको तो काम नहीं करने दे रहे हैं। इसलिए आज हम सब लोगों ने खुद निर्णय किया है कि हमारा चिकित्सा दल, हमारे पैरा, हमारा तृतीय श्रेणी कर्मचारी, जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और हमारे यहाँ कर्मचारी जनरल कर्मचारी है हमारे अस्पताल की पूरी सफाई करेंगे और जब तक वापस नहीं आते तब तक लगातार सफाई जारी रहेगी। सिंगरौली में एक महिला से ज्यादती का वीडियो बनाने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। महिला का रिश्तेदार उसे सुनसान जगह पर ले गया था जहां अपने एक रिश्तेदार के साथ मिलकर महिला के साथ ज्यादती की थी और उसका वीडियो बना लिया था। सिंगरौली के बैड़न में पुलिस ने बलात्कार के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधीक्षक अभिजीत रंजन ने बताया कि महिला को नजदीकी रिश्तेदार झांसा देकर सुनसान मकान में ले गया जहां आरोपी ने अपने साले के साथ मिलकर पीड़िता से ज्यादती की और उसका वीडियो बना लिया। मुख्य आरोपी सुरेश ने वीडियो जैसे ही अपने दोस्त को दिखाया तो ये बात फैली और थाने तक पहुंच गई, जिसके बाद पुलिस ने महिला की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की। आरोपी सुरेश व बाबूराम सोनी, जो दोनों साले और जीजा बताए जा रहे हैं, पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर थाना प्रभारी अरुण पांडे ने तत्काल इन आरोपियों को IPC की धारा के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया।
कल एक घटना ऐसी सामने आई जिसमें एक महिला के द्वारा अपने जीजा के भाई पे ऐसे आरोप लगाए गए कि उसने उसके साथ दुर्व्यवहार किया है, दुराचार किया है। पुलिस ने इसके संदर्भ में FIR दर्ज कर ली है और जो अक्यूज्ड है, जो आरोपी है, उसको भी राउंड अप करके पूछताछ जारी है। तो महिला फरियादी के द्वारा ऐसा बताया गया है। हम तमाम बिंदुओं पर, तमाम पहलुओं पर विचार करते हुए घटना की तफ्तीश करवा रहे हैं। अगले 24 से 48 घंटों में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में भारी बारिश और ओले गिरने के आसार हैं। देश में अब भी ठंड का प्रकोप जारी है और मंगलवार को देश का सबसे ठंडा शहर गुजरात का नालिया रहा है। वहीं पहाड़ों के साथ मैदानी इलाकों में भी बर्फबारी और बारिश का दौर जारी है। आने वाले 24 से 48 घंटों में मौसम में बदलाव संभव है। वहीं कुछ राज्यों में बारिश का सितम जारी रहने वाला है। मध्य प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और ओडिशा में लोगों को बारिश से फिलहाल राहत मिलती नजर आ रही है। वहीं पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के आसार हैं। मौसम की भविष्यवाणी करने वाली निजी एजेंसी स्काईमेट वेदर के अनुसार पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में कुछ स्थानों पर, जबकि विदर्भ में एक दो स्थानों पर गरज के साथ बारिश हो सकती है। वहीं महाराष्ट्र के नागपुर में भी कुछ इलाकों में बारिश संभव है। वहीं मध्य प्रदेश में तो कुछ इलाकों में ओले गिरने की आशंका भी जताई गई है। अगले 24 से 48 घंटों में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कन्फ्लुएंस जोन की वजह से भारी बारिश के आसार हैं। वहीं ओडिशा और पश्चिम बंगाल में भी आज से बारिश का सिलसिला शुरू होने वाला है, जो 8 फरवरी तक जारी रह सकता है। नाले साफ करने से चर्चाओं में आए मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री प्रद्युम्न सिंह अब एक बारात में नाचते नजर आए हैं। यही नहीं, मंत्री प्रद्युम्न सिंह ने बाजे वाले से झुंझुना लेकर भी बजाया है। अब तक आपने MP के मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर को झाड़ू लगाते हुए या नाले में उतरकर कीचड़ साफ करते हुए देखा होगा। इस वजह से इनकी चर्चा भी बहुत हुई और यह भी कहा गया कि अगर यही सब मंत्री को करना है तो बाकी सफाई अमले की जरूरत क्या है। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं प्रद्युम्न सिंह के नए वीडियो की। ये वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है। अपने भतीजे की शादी के उत्साह और उल्लास में मध्य प्रदेश सरकार के खाद्य आपूर्ति मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जमकर नाचते हुए नजर आए। मस्ती में प्रद्युम्न सिंह ने बाजे वाले से झुंझुना लेकर भी बजाया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज, दखल आपके हक में। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज।